दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज एक और कहानी हम आपको सुनाते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। इसको सुनने के बाद आपका रोम रोम जग जाएगा। दोस्तों यह कहानी है डेविड गोंगिस की जीवनी। दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाली साबित होगी, क्योंकि दोस्तों यह कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। एक इंसान का पोटेंशियल या महत्व क्या होता है, और वो जब ठान ले कि दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं झुकूंगा नहीं, तो उसके बाद वो इंसान क्या क्या उखाड़ सकता है। दोस्तों यह सब मैंने इस डेविड गोंगिस की रियल लाइफ स्टोरी से महसूस किया हुआ है। दोस्तों 135 किलोग्राम का बंदा, ओवरवेट, ओवरसाइज, और अब तक जहां पर भी हाथ डाला हो वहां हर जगह उसे असफलता ने पीछा नहीं छोड़ा हो। उसके वजह से डेविड जी इतने डिप्रेशन में गए थे कि उनके पागलपन के वजह से उनको स्कूल से निकाला गया हुआ था। और यही इंसान आज दुनिया के लिए एक इंप्रेशनल बना हुआ है। ऐसा क्या है डेविड जी की जीवन की स्टोरी में, तो सुनते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इस कहानी को अंत तक सुने, सुनने के बाद उसे दिल से महसूस करें, बिना नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही 100% अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर पाते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल आज कैसे भी चल रही हो, लेकिन हम सभी के अंदर अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने का पोटेंशियल होता ही है, बस आपको उसके बारे में पता नहीं है। 100 में से एक इंसान ऐसा होता है जो खुद की सारी लिमिट्स को तोड़कर इतिहास रचता है, यानी कि लिमिट्स बन जाता है। और यह सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और किस तरह का नहीं बनना चाहते। आज की यह कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है। डेविड गोंगिस भी एक आम बंदा था जो कि आज तक अपनी एग्जाम में सिर्फ कॉपी करके ही पास हुआ था। वो एक पैरा ट्रूपर बनना चाहता था, लेकिन अपने कॉपी करने की आदत से मजबूर डेविड जी एयरफोर्स की एग्जाम में भी फेल हो गए। परीक्षा में फेल होने के बाद अगले 6 महीने में डेविड जी ने कंटिन्यूली स्टडी, रनिंग और एक्सरसाइज करने के बाद उन्होंने एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक कर लिया और डेविड जी एयरफोर्स में सिलेक्ट भी हो चुके थे। लेकिन जब बॉडी चेकअप किया गया तब पता चला कि उनको सिलेक्शन अमोनिया है, सिकल सेल अमोनिया है, जिसमें ब्लड सेल्स कम हो जाती है और शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। पूरी मेहनत पानी में गई और यह डेविड जी का थर्ड अटेम्प्ट था। और उसके बाद डेविड जी कंप्लीटली डिप्रेशन में चले गए थे। उनका वजन 135 किलोग्राम तक बढ़ गया था और उनके ज्यादा वजन की वजह से उनको मजबूरी में एक होटल में चूहे पकड़ने की नौकरी करनी पड़ती थी। इन शॉर्ट उनकी जिंदगी झंड हो चुकी थी। एक दिन ऐसे ही डेविड जी ने नेवी सील की एडवाइजरी न्यूज़पेपर में देखा और नेवी सील बनने के लिए बहुत ही खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। लेकिन डेविड जी ने अब ठान लिया था कि ये मेरा आखिरी चांस है और मैं अब झुकूंगा नहीं। उसके बाद डेविड जी पहली बार वहां पर गए थे, तब उनका वजन 135 किलोग्राम था और नेवी सील के लिए सिर्फ 95 किलोग्राम तक का ही लिमिट था। फिर भी नेवी सील के ऑफिसर ने
उनका जज्बा देखकर उन्हें एक चांस दिया और उनको बोले कि अगर तुम अगले 3 महीने के अंदर अपना वजन 40 किलोग्राम कम करोगे तो तुम्हें नेवी सील में भर्ती होने के लिए ले लिया जाएगा। दोस्तों ओजस्टली ईमानदारी के साथ 40 किलोग्राम वेट सिर्फ 3 महीने में कम करना यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन डेविड जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसके अगले दिन से डेविड जी ने रनिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ 1 किलोग्राम दौड़ने के बाद उनका मन गिर गया। 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका मन गिव अप करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन डेविड जी अब रुकना भूल चुके थे। हर रोज डेविड जी अपनी लिमिट्स को और ज्यादा पुश करते थे, यानी कि आज से बेटर कल करना है और कल से बेटर परसों करना है। ठीक इसी प्रकार से वे अपने आप से चैलेंज करते गए। हर रोज डेविड जी सुबह 4 बजे उठकर साइकिलिंग किया करते थे, क्योंकि शरीर का वजन काफी ज्यादा होने की वजह से रनिंग करने में बड़ी दिक्कतें हो रही थीं। इतनी मेहनत करने के बाद कम ब्लड के लिए वे दिन में सिर्फ 1 बार ही खाना खाते थे। इन्होंने खुद को इतना पुश किया कि केवल 2 हफ्तों में उन्होंने 10 किलो अपना वेट कम कर लिया। दोस्तों आपको शौक लगा? इसके आगे भी आपको इससे भी ज्यादा शौक लगने वाले हैं। नेवी के ऑफिशियल ट्रेनिंग के 1 हफ्ते पहले ही डेविड जी का वजन 105 किलोग्राम तक आ चुका था। दोस्तों शुरुआत में डेविड जी सिर्फ 1 किलोमीटर में ही थक जाते थे, लेकिन अब वे 10 से 12 किलोमीटर तक दौड़ते थे और 30 किलोमीटर तक साइकिलिंग आराम से करते। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जिसको 2 महीने पहले अपने ज्यादा वजन की वजह से कोई काम नहीं दे रहा था और उनको मजबूरन एक होटल में चूहे और कीड़े पकड़ने का काम करना पड़ता था। नेवी सील के भर्ती होना अलग बात है और वहां पर टिकना वो अलग बात है। नेवी सील को हर एक खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, चाहे वो ट्रेनिंग के हमले हो या डीप अंडर वाटर ऑपरेशन हो। ये ट्रेनिंग मेंटल और फिजिकल इन दोनों स्ट्रेंथ पर जोर डालती है और शायद इस ट्रेनिंग को हील वीक ट्रेनिंग कहा जाता है। डेविड जी ने हील वीक ट्रेनिंग को सिर्फ 1 बार ही नहीं बल्कि 3 बार सफलतापूर्वक कंप्लीट किया हुआ है। दोस्तों लग गया ना और भी बड़ा साफ। और डेविड गोगिंस के लिए ये ट्रेनिंग कोई हेल से कम नहीं था, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उनके नाक से खून आता था, चक्कर आते थे और कई बार तो थक कर गिर भी जाते थे, लेकिन डेविड जी हार मानना भूल चुके थे। डॉक्टर के वार्निंग्स के मौजूद भी डेविड जी ट्रेनिंग करते रहे, भागते रहे और गिरकर फिर से उठते रहे। नतीजे तो झक मार कर आने ही थे और डेविड जी ने टॉप रैंक से हेल भी ट्रेनिंग को पास किया, क्योंकि डेविड जी सिर्फ मेहनत नहीं करते थे बल्कि हद पार मेहनत करते थे। लेकिन इस हार्ड कोर ट्रेनिंग की वजह से डेविड जी का घुटना दुख रहा था। 1 हफ्ते के रेस्ट के बावजूद भी उनका घुटना दुखना बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर ने उनको 5 महीने तक का रेस्ट करने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन इसे डेविड जी ने मना किया और आगे की ट्रेनिंग शुरू हुई और डेविड जी का घुटना एक्सट्रीम लेवल पर दर्द करने लगा। जब ट्रेनिंग के लिए डेविड जी ने जब पानी में डाइव किया तब ये बेहोश होने ही वाले थे और उनके लाइफ का फ्लैशबैक होने वाला दिख रहा था, लेकिन डेविड जी की विल पावर इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी थी कि एक झटके में सरफेस पर आने का उन्होंने डिसाइड किया और जब पानी से बाहर आकर उन्होंने रन करने की शुरुआत की तब देखा कि उनका घुटना टूट चुका था। दोस्तों दिमाग की ताकत कितनी भी क्यों ना मजबूत हो पर शरीर की हड्डियां जोड़ने में तो हेल्प नहीं कर सकती हैं। इसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर ने डेविड जी को कुछ दिनों के लिए घर जाने के लिए कहा और उसके कुछ ही दिनों के बाद उनको फिर से नेवी ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन आया, पर शर्त यह थी कि उन्हें स्टार्टिंग से ट्रेनिंग वापस से करनी होगी और अगर उनको कोई इंजरी फिर से होती है तो यह डेविड जी का आखिरी मौका होगा। फिर उसके बाद डेविड जी ने नेवी को वापस से ज्वाइन किया। जिन फट्टे कट्टे लोगों ने नेवी सील की हेल्वी ट्रेनिंग से
गुजरना इम्पॉसिबल जैसा होता है, वहीं पर जहां डेविड जी का घुटना टूट चुका है, फिर भी उन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग को वापिस से वही जोश के साथ पूरा किया। डेविड जी यहां पर ही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने 160 किलोग्राम की मैराथन में हिस्सा लेकर सेकंड रैंक से कंप्लीट किया। उसके साथ ट्रिथलॉन को भी सेकंड रैंक से कंप्लीट किया। ट्रिथलॉन के बाद पैर में जब स्वेलिंग होने लगी, तब चेकअप में पता चला कि डेविड जी के हार्ट में छेद है। डॉक्टर्स इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान हार्ट में छेद होने के बावजूद भी हिल विथ ट्रेनिंग और ट्रेथलोन जैसे चीजों को पार कर सकता है। डॉक्टर्स का यह कहना था कि किसी भी नॉर्मल इंसान का डेविड जी के सिचुएशन में जिंदा रह जाना बड़ा मुश्किल काम था, और यह पॉसिबल हुआ सिर्फ अपने लिमिट्स को पुश करने की वजह से और डेविड जी के विल पावर की वजह से। दोस्तों, यह कहानी सिंपली प्रूव करती है कि अगर इंसान चाहे तो कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस कहानी को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां और मोटिवेशनल कहानियां लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।